अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं एमएलटी हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में बीएनपी टेस्ट भी कहा जाता है और इस टेस्ट को बी टाइप नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड टेस्ट भी कहा जाता है। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपना टॉपिक ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड टेस्ट। डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर हम ये जानें कि ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड क्या है, तो दरअसल में ये एक हार्मोन है और ये हार्मोन बनता है हर्ट के मसल्स में और इन मखसूस मसल्स को कहा जाता है कार्डियोमायोसाइट्स। तो वो बनाते हैं इस बीएनपी को। ये उस वक्त बनता है जब दिल के वेंट्रिकल्स पर खून का दबाव बढ़ जाता है, खून का हुजम बढ़ जाता है, यानी वहाँ पर खून ओवरलोड कर जाता है और दिल के वेंट्रिकल्स अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो ऐसी हालत में फिर ये ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड का हार्मोन जो है, तो इसका लेवल खून में बुलंद हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कि इस बीएनपी का फंक्शन क्या है। ये ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड का जो हार्मोन है, तो ये हमारे जिस्म में क्या काम करता है, तो ये मदद करता है एज ए नेचुरल डाययूरेटिक, यानी ये पेशाब के फ्लो को बढ़ा देता है, पेशाब की मकदार को बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर सोडियम का लेवल बढ़ जाए तो गुर्दों को ये मजबूर करता है कि ज़्यादा सोडियम को पेशाब की मदद से जिस्म से निकाला जाए। इसके अलावा जब ब्लड वेसल्स पर खून का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, उन्हें चौड़ा कर देता है, जिसकी वजह से खून का जो बहाव है वो ब्लड वेसल्स में कम हो जाता है और ब्लड वेसल्स पर जो दबाव होता है खून का, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इसके अलावा ये बुलंद फिशार खून को भी कंट्रोल कर देता है, उसे कम कर देता है, जिसकी वजह से दिल पर जो खून का जो प्रेशर होता है तो वो भी मेंटेन हो जाता है और वो भी कम हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कि लेबॉरेटरीज़ में इस बीएनपी टेस्ट की अहमियत क्या है, तशखीसी अहमियत क्या है। तो इस टेस्ट की मदद से हम तशखीस कर सकते हैं हार्ट फेलियर की। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से हम तशखीस कर सकते हैं उन मरीज़ों को जिनमें सांस लेने की मुश्किल होती है, यानी डिस्पनिया जिन्हें होता है, जिन्हें ब्रीथिंग में मसला होता है और वो हार्ट फेलियर की वजह से होता है। तो इस टेस्ट की मदद से बहुत आसानी से हम तशखीस कर लेते हैं कि जो मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी आ रही है तो ये हार्ट फेलियर की वजह से है। इसके अलावा जिन मरीज़ों को हार्ट फेलियर हो जाता है और उनका इलाज शुरू हो जाता है, तो उस इलाज का पता लगाने के लिए कि वो मुअस्सर है या नहीं है, उसने अपना असर दिखाया है या नहीं दिखाया, तो उसके लिए भी ये टेस्ट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अभी हम बात करेंगे कि खून में बीएनपी का नॉर्मल लेवल क्या होता है। तो इसका नॉर्मल लेवल खून में होता है 0 से लेकर 99 पिकोग्राम पर मिलीलीटर या फिर 0 से लेकर 99 नैनोग्राम पर लीटर तक। अभी बात करेंगे कि किस तरह से खून का नमूना लिया जाता है, किस ट्यूब में लिया जाता है बीएनपी के टेस्ट के लिए। तो 3 से 5 ml खून का नमूना लिया जाता है जेल ट्यूब में या फिर ग्रीन टॉप ट्यूब में। सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सीरम को निकाला जाता है और फिर एडवांस एनालाइजर्स पर इस टेस्ट को रन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन का लेवल खून में कितना है। अभी हम बात करेंगे कि ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड का जो लेवल होता है तो वो किस वजह से खून में बुलंद हो जाता है। तो वो वजह हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपरटेंशन, वाल्वुलर हार्ट डिजीज, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसे कंडीशंस में जो ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन है, तो इसका लेवल खून में बुलंद हो जाता है। तो ज़्यादातर इसका जो लेवल बुलंद होता है खून में, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो हार्ट का फेल हो जाना होता है, यानी हार्ट अटैक में अक्सर इसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया एमएलटी हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल एमएलटी हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।